रायबरेली समाचार चैनल से जुड़े हजारों दर्शकों खबरों को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने दिया उचित कार्यवाही का आश्वासन। रायबरेली गुरुवार को कानपुर विश्वविद्यालय से आए परीक्षा नियंत्रक जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव तथा फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य बीडी मिश्रा से मिले। बाद में यह सभी अफसर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल से मिले और मुलाकात करके कॉलेज के बीए बीएससी एमएससी के विद्यार्थियों के त्रुटिपूर्ण परीक्षा फल के मामले में उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने फिरोज गांधी कॉलेज के छात्र छात्राओं से कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन 27 सितंबर 2021 को अपने पोर्टल पर स्कूटनी कल सर टीम आई थी कानपुर की जिलाधिकारी ने बुलवाया था, क्या रास्ता निकला है बच्चों के भविष्य के लिए? हाँ, कल टीम आई हुई थी शासन के निर्देश पर, दो सदस्यीय टीम आई हुई थी जिसमें कानपुर परिक्षेत्र के आरओ थे और साथ में कानपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व श्री अंजनी कुमार मिश्र जी कर रहे थे जो परीक्षा नियंत्रक हैं, और उन्होंने वो आए थे शासन के निर्देश पर यहाँ पर और जिलाधिकारी महोदय ने उसकी मध्यस्थता की थी और बहुत अच्छे माहौल में और बड़े तरीके से ये बातचीत वहाँ पर हुई थी, जिसमें हमारी तरफ से मैं और हमारे प्रॉक्टर डॉक्टर यूबी सिंह जी और हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर एल के त्रिपाठी जी मौजूद थे। बच्चे भी आए हुए थे, यद्यपि सारे बच्चे नहीं आ पाए थे पानी की बरसात और तमाम चीज़ों की वजह से, लेकिन ये एक ठीक ठाक संख्या हो गई थी, ख़ासतौर पर केमिस्ट्री फाइनल ईयर के एमएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर के छात्र थे वहाँ पर, और उनसे सीधी सीधी बात हुई थी। जिलाधिकारी महोदय ने बहुत तरीके से बच्चों की सारी समस्याएं समझकर उनके सामने रखी, हम लोगों ने भी अपनी समस्याएं रखी और फिर एक मोटे मोटे तौर पर ये बात आई सामने कि कैसे हमको इन अगर प्रॉब्लम है बच्चों की तो कैसे उसको सॉल्व आउट करें। नहीं, कुछ बच्चे जैसे फेल थे या किसी को फेल करके पास कर दिया गया है, वहाँ के जो आए थे परीक्षक नियंत्रक या आर ओ आए थे, क्या वो मानने को तैयार थे कि वहाँ की गलतियाँ हैं? देखिए, अब कोई भी संस्था सीधे सीधे तौर पर अपनी गलती तो नहीं मानती है और उनके अपने तरीके थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन हर संस्था का अपना एक कार्य करने का तरीका होता है और उन्होंने बताया कि हमने किस तरह से कार्य किया था, हमने कैसे मॉडरेशन किया, कैसे अगर हमने प्रैक्टिकल में अगर नंबर दिए हैं तो किस तरह से लिखित परीक्षा का 1.5 जो है टाइम्स हमने प्रैक्टिकल में नंबर दिए, तो उसकी वजह वो सारे तरीके उन्होंने अपने वो सारे प्रारूप बताए जिसके आधार पर उन्होंने बच्चों के मार्क्स को फिर से दिया था। अब तय है, उनका ये कहना था कि हमने जिस तरह के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया उसमें हमारा उद्देश्य मासस को लेकर था, एक बड़ी संख्या में बच्चों को उत्तीर्ण करने का इस कोरोना काल की वजह से जो परेशानियां आ रही थी, तो बड़ी संख्या में बच्चे उत्तीर्ण हो ये उद्देश्य था। तय है कि इस एवरेज मार्किंग की पद्धति की वजह से हमारे जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो उस निश्चित रूप से अफेक्ट हुए, उससे उनके मार्क्स कम हुए, लेकिन ये भी सही है कि एक बड़ी संख्या में बच्चे पास हुए और ये उन्होंने प्रूव करके दिखाया भी। उनका ये कहना था बावजूद इसके कि अगर कुछ बच्चे छूट जा रहे हैं, अगर किन्हीं के बच्चों के बी के मार्कशीट्स में समस्याएं आ रही हैं, तो वो एड्रेस करने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमको एक साथ भेजिए बंच में और हर बच्चे की एप्लीकेशन का जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको हम एड्रेस करेंगे, स्पेसिफिक प्रॉब्लम लिख करके भेजिए, हम उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अगेंस्ट उसको एड्रेस करेंगे और ठीक करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों में कौन कौन नाम मौजूद थे? नाम नाम तो मैं देखिए नहीं बता पाऊँगा। कल सर कार्यालय आए थे, डीएम कार्यालय की आवास पे? नहीं, आवास पर हुआ था, डीएम महोदय भी थे। टाइमिंग क्या थी, कब आए थे जी? कल कितने बजे आए थे वो? कल करीब 2 बजे आए थे, मैं 2:10 पर पहुंच गया था उनके बंगले पर और वहीं पर ये सारी बातें हुई थी। उन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने अपना पक्ष रखा और एक मोटे मोटे तौर पर कोशिश की कि हम लोग एक ऐसी जगह पर पहुँच सके जहाँ से बच्चों की समस्याएँ सॉर्ट आउट।
कल सर कानपुर की टीम आई थी यूनिवर्सिटी से, आप भी वहाँ मौजूद थे डीएम आवास पे, क्या है क्या निष्कर्ष निकला? प्राचार्य जी के निर्देश पर प्राचार्य जी के साथ हम और डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी वहाँ थे, गए थे, और विश्वविद्यालय की जो टीम आई थी, परीक्षा नियंत्रक उसमें थे, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कानपुर थे, डीएम साहब अध्यक्षता कर ही रहे थे उसकी, वहाँ बच्चे भी थे, वे एमएससी सेकेंड ईयर के और कुछ बीएससी के भी बच्चे थे वहाँ, एबीवीपी के भी इतने के कुछ दो एक पदाधिकारी थे वहाँ। उन सब के बीच में मुख्य रूप से ये समस्या के निदान से ज़्यादा भ्रांतियों का निवारण था जो निकल के आया, वो ये था, उन लोगों ने ये दिखाया कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, भ्रांतियाँ थी, जिसको उन्होंने अपने रूल रेगुलेशन दिखाकर स्पष्ट करने की कोशिश की। पहली तो ये थी, उन्होंने ये बताया कि जो ये सम विषम अंकों का चक्कर है जिसको लेकर बच्चे ये शिकायत कर रहे थे कि हमारा प्रत्येक प्रश्न दो अंक का है तो उसमें विषम कैसे मिल गया, या विषम अंक का है तो सम कैसे मिल गया, उसको उन्होंने बताया था कि विश्वविद्यालय ने परीक्षा समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया था, निर्णय किया था कि इस कोरोना काल में बच्चों को प्रमोट करने के लिए कि बच्चे कम से कम फेल हों, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तीर्ण हों, तो उसके लिए कुछ मॉडरेशन का फार्मूला उन्होंने तैयार किया था जिसमें सबके प्राप्तांक में कुछ जोड़ा गया था, कुछ अंक जिसको 1% या 1.5% ऐसा कुछ था, वो बहुत क्लियर बताया नहीं कि ये गुप्त है, जोड़ा गया तो उसको जोड़ने से वो कहते थे जैसे कोई विषम अंक है 27 नंबर है उसमें 5 जोड़ दिया जाए अगर किसी का तो 32 हो जाएगा, अपने आप सम हो जाएगा, तो ये एक सम विषम का भ्रांति निवारण उन्होंने किया। दूसरा उन्होंने बताया कि चूँकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हुए थे तो परीक्षा समिति का ही ये निर्णय था कि सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों का जो औसत होगा उसका 150% यानी उसका 1.5 गुना प्रायोगिक परीक्षा में दे दिया जाएगा, दो शर्तों के साथ कि वो 80% से अधिक नहीं होगा और 40% से नीचे नहीं जाएगा। तो जिनका 80% से अधिक हो जा रहा था 1.5 गुना करने के बाद, उनका 80% पर रोक दिया गया, और जिनका 0 था या 40% से कम हो रहा था उनका 40% पर फिक्स कर दिया गया, यानी 40% और 80% के बीच में उन्होंने प्रायोगिक परीक्षा में मार्क्स दिए थे। और कुछ एक बच्चों की जो शिकायत थी कि एमएससी 1 में ऐसे ही उनको प्रमोट कर दिया गया था और एमएससी 2 का जो अंक आया तो एमएससी 1 की जो अधूरी परीक्षा हुई थी उसको मिलाकर उनका संपूर्ण प्राप्तांक बनाया गया था जिससे उनका परसेंटेज डिवीजन प्रभावित हो रही है, उस पर भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि विश्वविद्यालय की ही ये पॉलिसी रही कि जिस परीक्षा में बिल्कुल जिस क्लास में बिल्कुल परीक्षा नहीं हुई थी उसमें तो अगली परीक्षा का अंक उसमें फिर से उसी को 2 गुना कर दिया जाता था, रिप्लिकेट कर दिया जाता था, लेकिन अगर किसी विषय में कुछ प्रश्न पत्रों की या सारे सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा हुई है तो जो जिन प्रश्न पत्रों की परीक्षा हुई है उनके वास्तविक अंक ही जोड़े जाएंगे। तो चूंकि एमएससी की 19-20 में परीक्षा हुई थी एमएससी 1 की, उस समय बच्चों की रिक्वेस्ट पर, कॉलेज के कहने पर, शासन प्रशासन के निर्देश पर उन्होंने सबको सामूहिक रूप से प्रोन्नत कर दिया था, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट उन्होंने बनाया तो एमएससी 1 का जो सैद्धांतिक विषयों का प्राप्तांक था और उसके आधार पर प्रायोगिक विषय में 1.5 गुना अंक अवार्ड करते हुए उन्होंने संपूर्ण प्राप्तांक बनाया, जिससे चूंकि एमएससी 1 में इन लोगों का प्राप्तांक औसत रूप में कम था इसलिए इन्हें यह शिकायत रही कि हमारा संपूर्ण में प्रतिशत या प्राप्तांक कम है, ये इनकी सापेक्ष शिकायत रही, इससे उन्होंने ये भ्रांति निवारण कर दिया।